नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा, जी हां, आज सियासी गलियारे में जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा है। दिल्ली में दो पिचों पर बैटिंग हो रही थी, एक तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तूतू मैं तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की नरेंद्र मोदी से मुलाकात। जी हां, ये सब कुछ यहां पर चल रहा था तो वहां ममता बनर्जी ने बंगाल में जोर का झटका धीरे से दिया है भारतीय जनता पार्टी को। मुकुल रॉय ने बीजेपी को टाटा कह दिया है, तो इधर कांग्रेस को चिंता सता रही है कहीं सचिन पायलट वहां पर थैंक यू ना बोल दे। इसीलिए दिन भर आज मान मनोवल का दौर चलता रहा। दूसरी तरफ पंजाब चलिए, वहां पर कांग्रेस की किचकिच खत्म नहीं हो रही है तो अकाली दल ने अब हाथी की सवारी के लिए हामी भर दी है। बिहार हो, महाराष्ट्र हो, क्या सियासी खिचड़ी पक रही है। द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा। सियासत में सब गोलमाल है, आयाराम कयाराम का खेल गजब है। कहीं पर्दे के पीछे सेटिंग का जोर है, बड़े कांटे हैं सियासत की राह में, कहीं पक रही सियासी खिचड़ी, ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा। शुरुआत दिल्ली वाली पहली पिच से करते हैं। जी हां, आज योगी आदित्यनाथ 5 घंटे मैराथन मीटिंग का दौर चला है राजधानी में। योगी आदित्यनाथ आज स्टूडेंट बनकर पहले अमित शाह के क्लास में गए, वहां पर सियासी पारी और चुनावों के पहले क्या करना है वो सब कुछ सीखा। फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्लास में गए, वहां पर भी चुनाव जीतने का मंत्र उन्हें सिखाया गया। फिर संगठन वाली क्लास के लिए वो जेपी नड्डा के सामने पहुंचे। क्या निकला इन क्लास के जरिए, देखिए इस रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के यूपी मंथन की इन तस्वीरों से निकले सियासी संदेश की सबसे ज्यादा चर्चा है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की पार्टी के शीर्ष नेताओं से हुई मुलाकातों के मायने बहुत बड़े हैं, क्योंकि एक साथ कई घटनाक्रम बीजेपी के अंदर चल रहे हैं। अगले साल चुनाव है, योगी दिल्ली में है और बीजेपी उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण को चुनावी मिशन के हिसाब से साधने में जुट गई है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि मंथन से निकला क्या। 1 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक, 2 घंटे गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग, 2 घंटे बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के साथ मीटिंग। योगी आदित्यनाथ ने मुलाकातों की व्याख्या अपने शब्दों में की। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट एवं मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने व आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार। एक शब्द पर गौर करिए, प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन मिला। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे के पीछे उत्तर प्रदेश चुनाव का ब्लूप्रिंट तैयार करना था। अगर आप पूरी टाइमलाइन देखें तो मीटिंग का सियासी मतलब समझ में आ जाएगा। नंबर 1, लखनऊ में संगठन और राष्ट्रीय नेतृत्व ने फीडबैक लिया। नंबर 2, डिप्टी सीएम मंत्री और विधायकों से मंत्रणा की गई। नंबर 3, होमवर्क पूरा करके रिपोर्ट टॉप नेताओं को सौंपी गई। नंबर 4, कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद की बीजेपी में एंट्री हुई। नंबर 5, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी मंथन का दौर बीजेपी में खत्म हो गया, दिल्ली में मुलाकातों का दौर भी पूरा हो गया। लेकिन इन मुलाकातों से एक सियासी चर्चा ने जन्म ले लिया है कि आखिर 2022 के चुनाव में क्या होने जा रहा है।
बीजेपी कैसे इस चुनाव को लेकर के आगे बढ़ेगी। सवाल यह है कि चुनाव में चेहरा कौन होगा। सवाल यह भी है कि क्या संगठन में कोई बदलाव होंगे। सवाल यह भी है कि क्या मंत्रिपरिषद का भी विस्तार होगा। पिछले कई सालों से यूपी की सियासत को देखते देखते इतना तो मैं कह सकता हूं कि बीजेपी एक बार फिर 2017 के फॉर्मूले को अपनाने जा रही है। 2022 में भी इसी फॉर्मूले के साथ आएगी और एक बार फिर अमित शाह ही इसके सारथी होंगे। सूत्रों के मुताबिक यूपी चुनाव में चेहरा तो मोदी और योगी का होगा, लेकिन चुनावी रणनीति के पीछे दिमाग अमित शाह का होगा। बड़ी खबर यही है कि यूपी चुनाव को लेकर फुल एक्शन में है शाह। उत्तर प्रदेश की कमान अमित शाह ने संभाली। पार्टी के अंदर कील कांटे दुरुस्त करेंगे शाह। शाह के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। ऐसा क्यों, हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनावी ब्लूप्रिंट कुछ तस्वीरों के जरिए समझिए। चेहरा योगी और मोदी का होगा, लेकिन दिमाग अमित शाह का होगा। कुछ बिंदुओं के जरिए आपको ये सब बताते हैं। नंबर एक, प्रदेश में ठाकुर बनाम ब्राह्मण की तनातनी। नंबर दो, योगी की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं विधायक। नंबर तीन, ओबीसी वोट बैंक को साधने में जुटे एसपी और बीएसपी। नंबर चार, पंचायत चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन। चुनाव 2014 का हो, 2017 का हो या फिर 2019 का, बीजेपी ने तमाम पहले के ट्रेडिशनल राजनीति को अपने समीकरणों से ध्वस्त किया। वो चाहे समाजवादी पार्टी का यादव मुस्लिम फॉर्मूला रहा हो या फिर मायावती का दलित मुसलमान और ब्राह्मण फॉर्मूला रहा हो, बीजेपी ने इसे अपने फॉर्मूले से ध्वस्त किया। और वो फॉर्मूला था गैर यादव ओबीसी, गैर जाटव दलित और सवर्णों में ठाकुर और ब्राह्मणों को एक साथ लाना। और इस फॉर्मूले ने बीजेपी के लिए ऐसी बेजोड़ समीकरण बनाए जो पिछले एक दशक से बीजेपी को लगभग सत्ता में काबिज रखे हुए है। अब आप कुछ तस्वीरों को गौर से देखिए, तभी उन तस्वीरों के पीछे का सियासी मकसद पता चलेगा। बीजेपी 2022 में वापसी के लिए सियासी नुकसान को कम करने में जुट गई है। जातीय समीकरण की गणित को फिट किया जा रहा है। पहली तस्वीर कांग्रेस से बीजेपी में आए जितिन प्रसाद की है। जितिन प्रसाद के बीजेपी में आने के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर ब्राह्मण वोट बैंक का है, वही वोटर जो बीजेपी से नाराज माना जा रहा है। खबर यहां तक है कि योगी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और उसमें ब्राह्मण कोटे से जितिन प्रसाद मंत्री बन सकते हैं। दूसरी तस्वीर अनुप्रिया पटेल की है। 2019 के बाद से अनुप्रिया पटेल सियासी परिदृश्य से गायब थी, लेकिन चुनावी साल में पिछड़ी जाति से आने वाली अनुप्रिया पटेल से अमित शाह की मीटिंग हुई, मतलब पिछड़ी जाति को साधने की कोशिश। तीसरी तस्वीर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और सांसद प्रवीण निषाद से शाह की हुई मीटिंग की है, यानी अति पिछड़ी जाति को साधने की जुगत है। कहते हैं दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और 2024 बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, इसलिए 2022 में बीजेपी कोई रिस्क उत्तर प्रदेश में नहीं लेना चाहेगी और अपना पुराना ट्राइड और टेस्टेड फॉर्मूला ही अपनाएगी। यानी कि छोटे छोटे उन दलों के साथ वो गठबंधन करेगी जो उनके साथ गठबंधन में थे, और पिछड़ों, अति पिछड़ों और अति दलितों को जोड़ने की जो बीजेपी की कोशिश रही है, बीजेपी एक बार फिर उसी फॉर्मूले पर चुनाव में आएगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी कई पार्टियों के साथ गठबंधन करेगी, भले ही पार्टी क्यों न छोटी हो, जैसा पहले किया था। दिल्ली मंथन के बाद जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि अब उत्तर प्रदेश को लेकर सभी बड़े फैसले दिल्ली से पूछकर होंगे। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद ये साफ हो गया है कि वहां सरकार और संगठन में कोई भी फैसला लेने से पहले दिल्ली का ग्रीन सिग्नल लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्टी को योगी सरकार के कामकाज को लेकर जो फीडबैक मिला है वो चुनावी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है और इसीलिए पार्टी नेतृत्व ने अब यूपी को लेकर कड़े फैसले लेना शुरू कर दिया है।
कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। यूपी की कमान संभाल रहे योगी आदित्यनाथ दरअसल एक मेधावी छात्र तो हैं ही, अपने आप को मानते हैं, लेकिन उनकी उम्मीद यह है कि डिस्टिंक्शन से वो पास करेंगे। पंचायत चुनाव कह रहे हैं कि मार्क्स कम आ गए हैं, ऐसे में अब उन्हें अमित शाह का फॉर्मूला ही चुनाव के लिए याद करना पड़ेगा। जबान पर जन्म और जेहन में जात, उत्तर प्रदेश की सियासत का यही उसूल है और चुनावी जीत की गारंटी भी। वैसे तो देश में 1967 में ही पिछड़ी जाति की राजनीति की बुनियाद पड़ गई थी, लेकिन 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट पर अमल होने के बाद पिछड़ी जाति की राजनीति ने आकार लेना शुरू कर दिया। पिछड़ी जाति ने पार्टियों की सियासी गणित बनाने और बिगाड़ने का मात्रा दिखाया। बीजेपी ने पिछड़ों के हाथों में पतवार सौंप कर ही सत्ता का स्वाद चखा। फॉर्मूला एकदम साफ है, अगली जाति साथ है, पिछड़ी जाति को साथ मिलाओ और सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाओ। इसी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के दम पर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हासिल की। 2017 में अखिलेश और राहुल की जोड़ी का रथ रोक दिया तो 2019 में बुआ और भतीजे का। अब इसी फॉर्मूले पर बीजेपी 2022 में सियासी बिसात बिछाकर चुनावी मैदान में उतरेगी। इसे आप बीजेपी के कुछ पिछड़ी जाति के बड़े चेहरों से समझ सकते हैं। नाम केशव प्रसाद मौर्य, पद डिप्टी सीएम। नाम स्वतंत्र देव सिंह, पद प्रदेश अध्यक्ष। नाम कल्याण सिंह, पद पूर्व गवर्नर। नाम स्वामी प्रसाद मौर्य, पद कैबिनेट मंत्री। नाम लक्ष्मी नारायण चौधरी, पद कैबिनेट मंत्री। नाम अनिल राजभर, पद कैबिनेट मंत्री। नाम अनुप्रिया पटेल, पद सांसद। नाम प्रवीण निषाद, पद सांसद। बीजेपी को सबसे बड़ा खतरा अखिलेश यादव से है, क्योंकि पिछड़ी जाति में यादवों का एकमुश्त वोट एसपी को जाता है और अगर गैर यादव पिछड़ी जाति उनके साथ जुड़ गई तो बीजेपी का खेल खराब होना पक्का है। बीजेपी की पूरी प्लानिंग है जात के हिसाब से उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर सींचना। बुंदेलखंड और पूर्वांचल के जिलों में लोध, कुर्मी, पाल और कुशवाहा जैसी जातियां यादवों के बराबर की हैसियत रखती हैं और अक्सर यादवों के असर को न्यूट्रल कर देती हैं और बीजेपी की रणनीति यही है। बीजेपी के सामने चुनौती बड़ी है, क्योंकि 2017 में बीजेपी ने छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया था। आज गठबंधन के कुछ साथी नाराज हैं तो कुछ छोड़ चुके हैं। हम सब लोगों ने मिलकर के बीजेपी की सरकार 17 में बनाई, हम लोगों के सहारे 19 में भी यूपी में उन्होंने चुनाव जीता। जब पिछड़ों के अधिकार की बात आती है तो हनन होता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 5,844 पद योगी जी ने पिछड़ों का लूट लिया। क्या अनुप्रिया जी सदन में इस बात को योगी अमित शाह और मोदी से सवाल करेंगी? क्या यहाँ आशीष जी सदन में इस बात को रखेंगे? उनके 9 विधायक हैं, क्या सदन में बोलने की हिम्मत है? यहाँ को ये समझना है कि बीजेपी गैर यादव पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति को साधना चाहती है, क्योंकि जीत का फॉर्मूला तभी तैयार होता है। करीब 48% पिछड़ी जाति का वोट बैंक, सबसे ज्यादा करीब 20% यादव, 28% गैर यादव ओबीसी। बीजेपी की नजर है करीब 8% कुर्मी वोट पर, 4% तेली वोट बैंक पर, 5% लोध वोट बैंक पर, 4.5% निषाद वोट बैंक पर, 2% मौर्य वोट बैंक पर, 2.5% राजभर वोट बैंक पर। 2017 में बीजेपी का फॉर्मूला एकदम क्लियर था, जिसके दम पर अमित शाह ने यूपी फतेह किया। जनरल वोट बैंक, गैर पिछड़े वोट बैंक, दलित वोट बैंक, यानी बीजेपी की जीत। बीजेपी को पता है, बीजेपी ने पिछड़ी और अति पिछड़ी जात को साधने के लिए कई जिलों में पिछड़ों और दलितों को संगठन की कमान सौंप रखी है, लेकिन बीजेपी के प्लान 2020 पर विपक्ष प्रहार कर रहा है। 2022 से पहले चुनावी मौसम का आगाज हो गया और बीजेपी ने इसकी शुरुआत कर दी है। अब देखना होगा कि 2022 में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग
क्या सियासी बिसात पर एकदम सही साबित होगी, यानी शह और मात का खेल अभी बाकी है। सबसे बड़ा फैक्टर ओबीसी फैक्टर है और उसी की वजह से बीजेपी लगभग 50% वोटिंग तक पहुंच गई है और इसे बीजेपी किसी सूरत में खोना नहीं चाहती। ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम राजनीतिक आपको दिखाई दे रहा है, इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि बीजेपी 2022 के चुनाव में एक बार फिर ओबीसी वोट बैंक पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है और दोबारा से अपने वोट बैंक को उसी प्रचंड तरीके से पाना चाहती है। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। तो दिल्ली में यूपी बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का मंथन का दौर चलता रहा दिन भर, लेकिन वो नहीं बचा पाए अपनी पार्टी में मुकुल रॉय को। निकल गए मुकुल जी, आए और मुकुल जी चले भी गए। मुकुल रॉय जिनकी घर वापसी हो गई है, दरअसल पार्टी की ऐसी हार हुई बंगाल में, अब वो घर वापसी कर गए टीएमसी में। इसे कहते हैं नेहले पे दहला। चुनाव से पहले बीजेपी ने आयातित नेताओं की छड़ी लगा दी, टीएमसी के तमाम नेताओं को दनादन अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। चुनाव खत्म हुआ, बंगाल की सियासी तस्वीर एकदम बदल गई। आज जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें ममता स्टाइल पॉलिटिक्स का साक्षात प्रमाण हैं। आज बीजेपी को सूद समेत पूरा हिसाब ममता बनर्जी ने बराबर कर दिया। सोचिए, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय की घर वापसी हो गई। सियासत के इस सीन पर ये कहावत एकदम फिट बैठती है कि 100 सुनार की और एक लुहार की। 2017 में टीएमसी छोड़कर गए मुकुल रॉय ने बेटे शुभ्रांशु रॉय के साथ घर वापसी कर ली। मोर पीपल विल कम, मोर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आई डू नॉट नो, व्हेनेवर द इंफॉर्मेशन विल बी कमिंग देन वी विल लेट यू नो। फ्रॉम नाउ आई कैन नॉट से एनीथिंग। आस्क बीजेपी व्हाई दे आर ब्रेकिंग द पार्टी इन एवरीवेयर। We are not breaking the party. Now there is no situation that we are not majority. It is not that situation like BJP. What BJP do, we don't do it. ममता बनर्जी ने बंगाल की सियासत में अपना नया ट्रेलर लॉन्च कर दिया। ट्रेलर को देखकर सोचिए पूरी पिक्चर कैसी होगी, क्योंकि ममता का दावा है कि घर वापसी के लिए बीजेपी के तमाम नेता लाइन लगाकर खड़े हैं। ममता के इस दावे ने बंगाल बीजेपी में भूचाल ला दिया है। आगे क्या होगा ये बाद में। उससे पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए और बीजेपी से टीएमसी में लौटे मुकुल रॉय का अनुभव सुनिए। আমি বলেছি বিজেপি করতে পারলাম না, করব না, সেই কারণে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি আমার পুরনো ঘরে ফিরে গেছি। अगर बीजेपी ने 2019 में बंगाल में ऐतिहासिक जीत हासिल की तो इसके शिल्पकार मुकुल रॉय ही थे, वही नेता जो एक जमाने में टीएमसी में नंबर दो की हैसियत रखते थे, ममता के बाद पार्टी में नंबर टू थे, यहां तक कि टीएमसी के संस्थापक मेंबरों में एक थे। लेकिन 2015 में शारदा स्कैम के बाद ममता बनर्जी से उनके रिश्ते तल्ख हो गए थे और 18 के बाद उन्होंने अपनी नेता का साथ छोड़ दिया था। मतभेद थे लेकिन कभी मनभेद नहीं हुआ था। मतविरोध कोनोदिन ছিল না, আজও নেই, আগামী দিনেও থাকবে না। मुकुल रॉय की वापसी के संकेत तभी मिलने लगे थे जब अभिषेक बनर्जी उनकी पत्नी को देखने हॉस्पिटल पहुंचे थे और उसके बाद मुकुल रॉय बंगाल बीजेपी की अहम बैठक से गायब थे। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुकुल रॉय से बात की थी, लेकिन ये बातचीत भी मुकुल रॉय को घर वापसी से नहीं रोक सकी। अब मुकुल रॉय के बीजेपी छोड़ने के बाद उनके गुट के कई नेता भी पार्टी छोड़ सकते हैं। माना यही जा रहा है कि ममता बनर्जी को चुनाव हराने वाले शुभेंदु अधिकारी का कद बढ़ने से वो नाराज थे, जिसके बाद से ही मुकुल रॉय की नाराजगी की चर्चाएं शुरू हो गईं। मुकुल रॉय की टीएमसी में एंट्री हो गई है, लेकिन ममता बनर्जी ने ये साफ कर दिया है कि वफादार से गद्दार बने दूसरे नेताओं की घर वापसी मुमकिन नहीं है। But I said that who have criticized the party like anything and who have done the betray before election for BJP, for money, for everything, we are not considering them. Only we will consider the people who are gentle, who are sober and who doesn't go for bitterness. ममता बनर्जी ने बड़ा संदेश दिया है, ये संदेश अपने कैडर को है और इशारे इशारे में शुभेंदु अधिकारी को भी, यानी ममता बनर्जी पर निजी हमले करने वालों की वापसी नहीं होगी। मुकुल रॉय के जाने से बीजेपी को जोर का झटका जोर से लगा।
मुकुल रॉय बीजेपी में आए थे तो उनका बहुत जनाधार था, वो बड़े नेता थे, लेकिन टीएमसी में वापस चले गए तो उनके सियासी कद की व्याख्या बदल गई। यही तो सियासत है। नेता तो नेता, बीजेपी में शामिल हुए टीएमसी के वर्कर्स अब बाजारों में लाउड स्पीकर पर ममता बनर्जी से माफी मांगते घूम रहे हैं। ये तस्वीरें बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी की मजबूत पकड़ और बीजेपी के बढ़ते संकट की गवाह हैं। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। तो मुकुल रॉय के बहाने ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका धीरे से बंगाल में दिया है, लेकिन यहां तो राजधानी में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तू-तू में खत्म नहीं हो रही। जी हां, दरअसल घर घर राशन योजना जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ रहे थे, उस पर केंद्र सरकार की वजह से एलजी ने रोक लगा दी है। अब रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री भारत सरकार आप पर हमला बोल रहे हैं केजरीवाल से कि आपने वन नेशन वन राशन कार्ड दिल्ली में क्यों नहीं लागू किया है, इसका जवाब दे। वो क्या परेशानी है आपको, क्या दिक्कत है आपको? बीजेपी की ओर से यह सवाल हम बहुत प्रमुखता से उठा रहे हैं कि अगर देश के 34 राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड को फॉलो करने को तैयार हैं तो ममता जी की बात तो जो है वो होगी, इनको दिल्ली में समस्या क्या है? दिल्ली में जनवरी 2018 में ई ऑथेंटिकेशन राशन कार्ड पर शुरू किया गया और आदेश जी और विदुरी जी 4 महीने में इसको रोक दिया गया, अप्रैल 2018 में। इस 4 महीने में क्या हुआ, 4 लाख फर्जी राशन कार्ड पकड़े गए दिल्ली में। मैं फिर कहना चाहता हूं माननीय केजरीवाल जी, जनवरी 18 में आपने शुरू किया, अच्छा किया, 4 महीने में क्यों रोक दिया, क्या समस्या थी? समस्या यह थी कि 4 लाख फर्जी राशन कार्ड पकड़ लिए गए थे, तो राशन माफिया दिल्ली सरकार पर हावी हो गया, इसको रोको। केंद्रीय मंत्री का हमला था, आम आदमी पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाला उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। गिरफ्तार करने लगे, ये तो ऐसे हुए वैसे हैं, इतने करप्ट हैं। अरे सर जी, अगर 21वीं सदी में कोई मुख्यमंत्री बैठ के, IIT से पढ़ा हुआ एक मुख्यमंत्री बैठ के ये सोच रहा है कि गरीब लोगों के घर राशन डोर स्टेप डिलीवरी पे उनके दरवाजे पे सरकार लेके चली जाए, तो इसमें गलत क्या सोच रहा है? उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे, आके कहने लगेंगे कि ये सब ऐसे हैं, वो सब वैसे हैं, ये खराब वो खराब, इस ये जो भी गाली गुफ्तार में शब्द यूज करते हैं ये लोग। मैं पूछना चाहता हूं कि आप इसमें टांग क्यों अड़ाते हैं, आपको प्रॉब्लम क्यों है इसमें? ये बताएं साफ साफ कि अगर पिज्जा घर पहुंच सकता है तो गरीब आदमी का राशन क्यों नहीं घर पहुंच सकता? रिपोर्ट में जारी है द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा। जी हां, हमने ब्रेक से पहले आपको दिल्ली से लेकर बंगाल, बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश, हर तरह के सियासी हलचल की खबर दिखाई, दिखाया कैसे आज का दिन बेहद पॉलिटिकल सियासी सरगर्मी का रहा। अलग अलग राज्यों में आपने देखा कि किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री तक से मिले, जेपी नड्डा से मिले, वहां बंगाल में बड़ा झटका लगा बीजेपी को, मुकुल रॉय खिसक लिए। तो तीसरी तरफ अब बात होगी राजस्थान की। जी हाँ, सचिन पायलट को लेकर जैसे ही जितिन प्रसाद निकले, सचिन पायलट को लेकर चर्चा शुरू हो गई, और वो इसलिए क्योंकि कयास पहले भी लगाए जा रहे थे कि नाराज हैं, उनको उनके विधायकों को मंत्री पद नहीं दिया जा रहा है। अब एक बार फिर से वही कयासें तेज हो गई, लेकिन असल पॉलिटिकल कहानी जो अंदर की है वो तो बाहर आ ही नहीं रही है। देखिए, राजनीति के चढ़ते सूरज के साथ पेट्रोल और डीजल में लगी आग भी धधकने लगी। कांग्रेस ने तेल पर मोदी सरकार को घेरने के लिए शहर शहर बैसात बिछा दी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दिल्ली से लखनऊ तक, वाराणसी से नोएडा, जयपुर से भोपाल तक, पटना से अहमदाबाद तक और अम्बाला से चंडीगढ़ तक कांग्रेस ने महंगाई और डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों पर विरोध प्रदर्शन किया। तेल में लगी आग पर कांग्रेस गर्म हुई और इसी के साथ राजस्थान की राजनीति में भी नई बिसात बिछी हुई नजर आई। जी हां, राजस्थान कांग्रेस में असंतोष के चलते सचिन पायलट के पार्टी छोड़ने के जो कयास लगाए जा रहे थे,
डीजल पेट्रोल और महंगाई के खिलाफ सचिन पायलट भी मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं कि जयपुर में विरोध की तख्ती लेकर सचिन पायलट अपने गुट के साथ एकजुट होकर धरने पर बैठे हैं। जी हां, दौसा में अपने पिता राजेश पायलट की जयंती पर श्रद्धांजलि देने के बाद सचिन पायलट ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और महंगाई को लेकर जमकर बरसे। सेकंड वेव से भयानक त्रासदी परिवार में हुई, ऐसी परिस्थिति में जब कोरोना फैल रहा है, त्राई त्राई मची है, नदियों में लाशें बह रही हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, ऐसे समय में बजाय लोगों की मदद करने के लिए, महंगाई को बढ़ाने के लिए आज पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। इस सरकार की नींद खुलने का नाम नहीं ले रही है। खाना पकाने वाला गैस सिलेंडर, उसके क्या दाम है आज? कांग्रेस के राज में जब अंतर्राष्ट्रीय तेल के दाम बढ़े थे, तब भी हम लोगों ने कभी दाम बढ़ने नहीं दिए। आज 100 रुपए के पार हो गया पेट्रोल डीजल, लगभग 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर है। पूरे देश में आज कांग्रेस कार्यकर्ता हर पेट्रोल पंप पर जाकर इस सरकार की नींद खोलने का काम कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी को अपना रोल बैक करना पड़ा और अंत में घोषणा करनी पड़ी कि फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी, उसी तरह मुझे पूरा विश्वास है कि दबाव बनेगा और केंद्र सरकार को रोल बैक करना पड़ेगा, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने पड़ेंगे। त्राई त्राई हो रही है, गरीब तबका, मध्यम वर्ग का तबका आज सरकार की तरफ देख रहा है कि संकट की घड़ी में क्यों दाम बढ़ाए जा रहे हैं, और कोई जवाब नहीं है। टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स सरकार की जेब में जा रहा है। लोगों की जेब पे डाका डालना, लगातार टैक्स बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम होने के बावजूद लगातार दाम बढ़ रहे हैं, ये सरकार की बदनीयत है। मैं समझता हूँ इस प्रकार के कदम से जनता जवाब मांग रही है और बहुत जल्द जो घमंड और अहंकार केंद्र सरकार को है वो टूटेगा। सरकार आंख और कान बंद कर बैठी है, राजनीति तो चुनाव करने से चूक नहीं रही। देश के लोग आज चाहते हैं कि संकट के समय आर्थिक मदद हो, दाम कम हो, हर चीज का दाम बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम से फल सब्जी साग खाने की चीजें सब दाम बढ़ जाते हैं। आज का प्रदर्शन सांकेतिक है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए हम लोग चाहते हैं कि संकेत पूरे देश में जाए और दुनिया देखे कि हिंदुस्तान का नौजवान और मध्यम वर्ग और किसान सब कांग्रेस के साथ खड़े हैं। जितिन प्रसाद के बाद सचिन पायलट के बीजेपी में जाने के कयासों के बीच राजस्थान की राजनीति में जो भूचाल आया, सचिन पायलट ने बीजेपी के खिलाफ गरज कर उसे शांत करने की कोशिश की। और जब उनसे पूछा गया कि रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि वो सचिन से बात कर रही हैं, तो सचिन पायलट ने इस पर चुटकी लेते हुए जवाब दिया कि वो सचिन तेंदुलकर से बात कर रही होंगी। कंफर्टेबल नहीं है कांग्रेस में, आप आ सकते हैं बीजेपी। मैंने भी सुना रीता भवना जोशी ने, रीता भवना जोशी ने जो कहा कि सचिन से बात करी है, हो सकता है सचिन तेंदुलकर से बात करी हो, मेरे से बात करने हिम्मत नहीं है। हालांकि उनके समर्थक इस मौके पर सचिन पायलट और राहुल गांधी के अलावा किसी और के नारे नहीं लगा रहे थे, यानी पायलट के प्रदर्शन से गहलोत का नाम आउट। कुछ विधायकों ने सचिन के साथ खड़े होने का दम भरा तो कुछ कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई कि चाहे जितने साल लग जाएं, सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जहाँ पायलट साहब कहेंगे वहाँ जाएंगे, वो कहेंगे मरना है तो मर जाएंगे। मैं समझता हूँ कि कोई किसी पार्टी में भी कोई व्यक्ति अपनी बात को मजबूती से रखते हैं, कार्यकर्ता की बात करते हैं, तो वो कोई चलना नहीं होता है। आंतरिक लोकतंत्र में सब बात जायज है और ये बात करनी चाहिए, पायलट साहब ये बात करते रहे। राजस्थान की राजनीति में भले ही कांग्रेस कह रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जमीन पर मतभेद साफ दिखाई दे रहे हैं। पायलट समर्थक राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में पेट्रोल डीजल की बढ़ती मांगों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पायलट गुट कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर हो रहा है। राजस्थान कांग्रेस और पायलट अलग अलग पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सचिन पायलट ने एयरपोर्ट सर्किल पर सांगानेर के पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया तो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अजमेर रोड पर बालाजी पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन करते नजर आए।
इधर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के मतभेद सुलझाने के लिए बनाई गई कमेटी के सदस्य अजय माकन का दावा है कि मतभेद सुलझ जाएंगे। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के खाली पद भी जल्द भरे जाएंगे और जो रिक्त पद हैं, चाहे वो कैबिनेट के हों, चाहे वो सरकार के अंदर बोर्ड और कमीशन के हों, उसको बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, सब लोगों से बात। सच ये भी है कि कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट को मनाने की कोशिश की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से लेकर कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने देर रात सचिन पायलट को फोन घुमाए और समाधान का भरोसा दिया। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। तो राजस्थान और राजस्थान से जुड़ा सवाल कि पायलट साहब के पास है कांग्रेस का विमान, तो कहां होगी उनकी लैंडिंग। लेकिन यहां पर तो सियासी खिचड़ी की भी खूब चर्चा है जो महाराष्ट्र में पक रही है। जब से उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं, तब से नजारा और शब्द सब जरा बदला बदला सा है। संजय राउत खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। इधर शरद पवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं प्रशांत किशोर। लेकिन कुल मिलाकर ये सियासी खिचड़ी महाराष्ट्र की आखिर क्या है, देखिए। आठ जून को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री की मुलाकात, फिर शिवसेना के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत का प्रधानमंत्री मोदी को टॉप लीडर बताना। नरेंद्र मोदी हे भारतीय जनता पक्षाचे आणि देशाचे सगळ्यात मोठे नेते आणि गेल्या 7 वर्षात भारतीय जनता पक्षाला जे यश प्राप्त झालेलं आहे ते नरेंद्र मोदी यांच्या चेहऱ्यामुळेच प्राप्त झालं, हे नाकारता येणार नाही, ते स्वीकारलं पाहिजे। पण शेवटी देशाचे नेते आहेत ते, पण ते ज्या पक्षातून पुढे गेलेले आहेत त्या पक्षाला वाटतं की प्रत्येक निवडणूक ही प्रधानमंत्र्यांच्या नावावर जिंकावी। अटल बिहारी वाजपेयी यांचा सुद्धा फोटो सर्वत्र वापरला जातो। राजनीतिक और रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके का पवार से मिलने पहुंचना और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ये कहना कि हमने शिवसेना से रिश्ता नहीं तोड़ा है बल्कि मातोश्री ने हमारे लिए दरवाजे बंद कर लिए थे। जरूर महाराष्ट्र में भी द ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। दिल्ली में उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री की 100 मिनट की चर्चा ने महाराष्ट्र में चर्चाओं को हवा दे दी है। हालांकि उद्धव ठाकरे के साथ बैठक में डिप्टी सीएम अजित पवार और मंत्री अशोक चव्हाण भी थे। जब उद्धव से इस बैठक को लेकर सवाल हुए तो माहौल और गर्म हो गया। उद्धव बोले, भले ही राजनीतिक रूप से साथ नहीं है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। मैं कोई नवाज शरीफ से थोड़े ही मिलने गया था जो छिप कर मिलता, यदि मैं उनसे व्यक्तिगत मुलाकात करता हूं तो इसमें क्या गलत है। सवाल ये भी होने लगे हैं कि क्या महाराष्ट्र सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। हम आपको बता दें कि इन सियासी बयानबाजियों के बीच शरद पवार ने शिवसेना को बाला साहेब की याद दिलाई। पवार ने कहा कि तब भी वादा निभाया था, भरोसा कर सकते हैं। इंदिरा गांधींना मदत करण्यासाठी शिवसेना एक सुद्धा उमेदवार विधानसभेला उभा करणार नाही। विधानसभेच्या निवडणुका आहेत आणि पक्षाचा नेता असा निर्णय घेतो की आम्ही निवडणुकच लढवणार नाही, त्या नेत्याची स्थिती काय होईल? पण त्याची चिंता कधी बाळासाहेब ठाकरेंनी बाळगली नाही। शरद पवार ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार 5 साल चलेगी और शिवसेना एनसीपी कांग्रेस अगले यानी 2024 के विधानसभा चुनावों में भी साथ लड़ेंगे। शिवसेना ऐसी पार्टी है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। बाला साहेब ने भी इंदिरा गांधी से किया अपना वादा निभाया था। तमाम अटकलों और सियासी चर्चाओं के बीच पीके यानी प्रशांत किशोर ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से पूरे 3 घंटे तक मीटिंग की। हालांकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने बैठक को लेकर अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की। उधर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि कई नेता प्रशांत किशोर के साथ संपर्क में हैं, जबकि एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा कि उन्हें इस बैठक के एजेंडे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने से पहले भी 2019 में पीके ने उनसे मुलाकात की थी। अब महाराष्ट्र की सियासत में कौन सी खिचड़ी पक रही है ये वक्त आने पर पता चलेगा।
लेकिन कहते हैं धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात पंजाब के पॉलिटिक्स की। जी हां, पंजाब में भी कहां रुक रहा है, एक के बाद एक रोज नए किस्से सामने आ रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में बात बन नहीं रही है। कांग्रेस हालांकि 5 सूत्रीय फॉर्मूला लेकर सामने आई है, लेकिन कैसे मानेंगे, पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है। इधर अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन हो रहा है। पंजाब में यह तय हो गया है कि कैप्टन तो अमरिंदर सिंह ही रहेंगे, जबकि पावर पॉलिटिक्स में सिद्धू को भी अहम भूमिका दिए जाने की सिफारिश की गई है। जी हां, पंजाब कांग्रेस में जारी सियासी तनातनी के बीच पार्टी पैनल ने अध्यक्ष सोनिया गांधी को यह रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में 5 बड़ी सिफारिशें की गई हैं। अमरिंदर सिंह को प्रभारी बनाए रखने, सिद्धू को पार्टी में बड़ा पद और शीर्ष मंत्री बनाने की बात, पार्टी संगठन में सुधार, हाशिए पर पहुंची जातियों के साथ संपर्क, दलितों को अहम पद देने और बोर्ड्स और कॉरपोरेशन में पार्टी नेताओं की नियुक्ति। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में जो अंदरूनी रार बढ़ती जा रही है, उसका सुलझना इतना आसान भी नहीं है। लुधियाना और अमृतसर में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थन में पोस्टर लगाए गए थे, तो जवाब में नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थकों ने पटियाला में लगाया। आपको बता दें कि पटियाला की शहरी सीट से कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव लड़ते आए हैं, तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर ईस्ट सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन अब कांग्रेस में जारी कलह के बीच दोनों में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। उधर अकाली और बीएसपी में भी गठबंधन हो गया है। अकाली दल बीएसपी को 18 सीटें देने पर राजी हो गया है। आज तक ब्यूरो। आज ये लगता है आज के पॉलिटिकल ड्रामे से छूटे हैं। अब बात जरा बिहार की करते हैं। जन्मदिन लालू प्रसाद यादव का आज ही है, ऐसे में सियासी हलचल वहां पर तेज हो गई। जी हां, केक कटा इधर और उधर जीतन राम मांझी और तेज प्रताप की बैठक हो गई। माना जा रहा है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार ने भी लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। लालू प्रसाद यादव ने घर पर अपना 74वां जन्मदिन मनाया। लालू के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए आरजेडी कार्यकर्ता भी पार्टी के रंग में रंगे हुए नजर आए। इस मौके पर नीतीश कुमार ने भी लालू को बधाई दी। लेकिन लालू के जन्मदिन से बिहार में एक नई राजनीति की सुगबगाहट तेज हो गई है। इधर लालू ने केक काटा, उधर तेज प्रताप यादव की जीतन राम मांझी से मुलाकात हुई। जीतन राम मांझी ने कहा कि लालू के जन्मदिन के मौके पर तेज प्रताप उनसे मिलने आए, लेकिन बिहार में चर्चा ये भी हो रही है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। ये सवाल इसलिए क्योंकि बीते कुछ दिनों से एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी बीजेपी पर हमलावर हैं। जब वो जेल में थे तो ये बात कही जा रही थी कि लगातार वो एनडीए के नेताओं के संपर्क में है, अब तो वो बाहर आ गए हैं। क्या कोई बात हुई है फोन पर? रहने दीजिए पर्दा में। मांझी और तेज प्रताप की मुलाकात के बाद आरजेडी ने कहा कि समझने वाले समझ गए हैं, जो ना समझे वो अनाड़ी है। उत्कर्ष कुमार सिंह, पटना, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में सियासी हलचल पर आप देख रहे थे द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए आज तक।